आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच वार पलटवार का दौर हमें देखने को मिल रहा है, और इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए, आइए आपको हम सुनवाते हैं। सूचना मिली है कि अगले कुछ दिनों में केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार करने जा रही है। पता चला है कि केंद्र सरकार ने सभी जांच एजेंसीज को मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई ना कोई फर्जी केस तैयार करने को कहा है। जैसे इन्होंने सत्येंद्र जैन के खिलाफ फर्जी केस किया है, वैसे ये लोग मनीष जी के खिलाफ भी फर्जी केस बना रहे हैं। मनीष जी ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है, ऐसे व्यक्ति को जेल में डालना चाहिए या उन्हें पूरे देश के स्कूलों को ठीक करने की जिम्मेदारी देनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को फर्जी मामलों में जेल में डाल के दरअसल ये लोग दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो अच्छे काम हो रहे हैं ना, उन्हें रोकना चाहते हैं। मेरी प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती है, ये एक एक करके जेल में डालने की बजाय आप आम आदमी पार्टी के हम सभी मंत्रियों और सभी एमएलए को एक साथ जेल में डाल दीजिए। सारी जांच एजेंसीज को बोल दीजिए कि एक साथ सारी जांच कर लें।